पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा पेंशन योजना बनाई गई है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत राबो के आश्रित ग्राम गुड़गुड़ में गुरबारी राठिया निवास करती है, जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में है और इस आखिरी पड़ाव में पेंशन न मिलने से वह किस प्रकार दिक्कतों का सामना कर रही है। ओ यंग चाउ देते था वो इलाका थोगा बेटा कमाए तो निशा को हाँ पेंशन मिलते पेंशन मिला था ता चार महीना हो इतने नहीं मिलाते हाँ ना महीना माँ 300 देते बेटा हाँ नौनी यहाँ एक ठन पुत्री तेला तो दे दे यहाँ बेटा ता नहीं है मन नौनी बाबू एक ठन है पुत्री तेला तो दे दाए रहा हाँ तो अभी एक ही रहता एक ध्यान बेटा कोई नहीं है मोरा कोई आवेदन दे हाँ, सरपंच करा या तो सचिव करा या हाँ दिया हाँ 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 का कहा था सरपंच दिया हाँ सचिव दिया हाँ आधार कार्ड तक के फोटो कॉपी हाँ वो पास बुक के फोटो कॉपी तो कब तक मिली कहा था अब है वो दिन आके हैं चावल है गेरे हैं आठ दिन के बाद मैं किसने के ग्राम पंचायत राबो में 111 पेंशनधारी हैं, जिसमें विधवा हैं, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सुखद सहारा है और इनका पेंशन भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा माह सितंबर 2016 तक किया जा चुका है। शासन के आदेश के अनुसार हमें बताया गया कि अक्टूबर से सभी हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान किया जाना है। बैंक खाता नंबर और हितग्राहियों का सूची मंगाया गया था, जिसको जनपद में हमने जमा कर दिया था। बैंक से सूची वापस आ गया, जिसका कारण यह बताया गया है कि बहुत से हितग्राहियों का जो खाता नंबर है वो बंद हो चुका है। तो जनपद के द्वारा फिर से पेंशन की राशि ग्राम पंचायत के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है और हमें अवगत कराया गया है, निर्देश दिया गया है कि सभी खाता धारकों का खाता नंबर जांच कर बैंक में हितग्राहियों का राशि जमा करने के लिए कहा गया है। हर प्रकार के पेंशन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन समस्त लोगों को सही समय पर पेंशन दिया जाए। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वे तमनार ब्लॉक के सीईओ श्री वी एन नायक को 94 24 18 53 46 इस नंबर पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।